नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम आपको बताएंगे एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि कैलकुलेशन के पर्पज़ से मैथ्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टैट्स के स्टूडेंट्स जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और कैलकुलेशंस के लिए एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों। और हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप उसके कैलकुलेशंस को जो है पेन और पेंसिल से ना करें, लेकिन एक बहुत ही छोटा ऐप है जो कि हम कह सकते हैं दोस्तों 1 MB से भी कम उसका साइज है। और हम आपको बताते हैं, ये स्टैट्स कैलकुलेटर नाम से आता है। इसके लिए हम आपको प्ले स्टोर पर लेकर चलेंगे और दोस्तों ये बहुत ही कम टाइम में क्या क्या कर सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर लिखना है हमें स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटर और यहाँ जो आपको चौथे नंबर पर दिख रहा है स्टैट्स कैलकुलेटर फ्री, हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। हमने दोस्तों इसको इंस्टॉल कर लिया है, आप लोग इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे। देखिए ये इसका होम पेज है, स्टैट्स कैलकुलेटर लिखा हुआ है, फ्री कैलकुलेटर है दोस्तों। ये दो जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, हम दोनों को एक एक करके देखेंगे। पहले हम चलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के ऊपर। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये आपको दिख रहा है साइज, नंबर, मिनिमम, मैक्सिमम, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मोड, रेंज, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, IQR, सैंपल वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो मैथमेटिक्स के स्टैट्स के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये सभी टर्मिनोलॉजीज पता होती हैं दोस्तों। करना क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो नंबर कैलकुलेशन के लिए मैं देना चाहूँगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 55 × 10 हम कर देते हैं। मैं यहाँ राइट क्लिक से ओके करूँगा। आप देखिए रिजल्ट आपके सामने है। साइज इसने टोटल साइज लिया है 10, सम किया है इनका कैलकुलेट करने के बाद 550, मिनिमम नंबर्स हैं दोस्तों 55, मैक्सिमम भी 55 है क्योंकि सेम नंबर का कैलकुलेशन किया गया है। अर्थमेटिक मीन निकल के आया है 55, ज्योमेट्रिक मीन भी, मोड 55 है, फर्स्ट क्वार्टाइल 55, मीडियन भी इसका 55 होगा, थर्ड क्वार्टाइल 55 होगा। इसी तरीके से दोस्तों क्योंकि ये हमने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया, और भी आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये जो अलग अलग वैल्यूज दी हुई होती हैं ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी जो बात दोस्तों इसकी होगी वो ये होगी कि आप जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे वो सभी कैलकुलेशन जिस भी फॉर्म में कर रहे हैं उस फॉर्म में यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगी, और आप जो भी कैलकुलेट करना चाहें वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सारा कैलकुलेशन यहाँ आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये कैलकुलेशन आ रहा है। और क्योंकि ये बहुत हम कह सकते हैं कि ऐसे कैलकुलेटर्स की ज़रूरत जो होती है, देखिए दोस्तों, और अगर कहीं पे हम कोई गलत ऐसा कैलकुलेशन दे रहे हैं तो ये यहाँ पर तुरंत इसको एरर शो करेगा। देखिए इनवैलिड इनपुट एट item 1 यहाँ लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया है इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट। हम यहाँ पर आकर आपको एक और जो मोड दिया हुआ है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इसके बारे में समझाएंगे। यहाँ हम क्लिक करेंगे दोस्तों, ये वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं, n, r की वैल्यू, टोटल साइज, ग्रुप का साइज और डुप्लीकेट्स अगर होते हैं तो हमने जैसे मान लीजिए टोटल साइज लिया 5, r की वैल्यू हमने ली 2 और हमने यहाँ पर ये जो राइट मार्क का साइन है इस पर क्लिक किया। तो दोस्तों देखिए फैक्टोरियल आ गया है 5 का 120, r का फैक्टोरियल 2, सब फैक्टोरियल n 44 आ गया है, सब फैक्टोरियल r 1, परम्यूटेशंस बनेंगे दोस्तों इसके 20, रिपीटेटिव परम्यूटेशंस बनेंगे 25, कॉम्बिनेशंस बनेंगे 10, रिपीटेटिव कॉम्बिनेशंस बनेंगे 15। और ये जो आप नीचे कैलकुलेशन देख पा रहे हैं दोस्तों, इसी तरीके से आप इसको चेंज करना चाहें चेंज भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए चेंज करने के बाद वैल्यूज देखिए फैक्टोरियल्स और जो भी चेंज हो गए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आपको अगर निकालना हो किन्हीं भी n नंबर्स का तो आप इजीली यहां से निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम स्पेस ले रहा है दोस्तों, 754 KB के आसपास ये एप्लीकेशन है, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। और जो है इसमें इन सिंगल दो पेजेस के अलावा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन का काम है, ज़्यादा इसको बड़ा या हैवी नहीं बनाया गया है, सिर्फ कैलकुलेशन का काम ये कर रहा है। और दोस्तों ये वीडियो जो मैंने आपको बताया, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है
तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और भी जो लोग कैलकुलेशन के पर्पज़ से कहीं कोई ऐसा कैलकुलेटर या मोबाइल एप्लीकेशन देख रहे हों, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और भी आप हमारे चैनल से किस तरीके की वीडियो इन फ्यूचर चाहते हैं ये भी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।